Hi everyone, this is Mala. Welcome to this channel. Today I'm going to discuss a very big thing, that is a scholarship or NIFT mein aapko kaun kaun se scholarship milte hain and kitna important hai wo aapke liye. Ye to aapko khud pata hoga tabhi aap is video pe aaye ho. This video ka har ek point bahut important hai, so just make sure ki aap bilkul end tak raho mere sath. Okay, as a NIFT student or as a design student, mere paas din mein एटलीस्ट 5 to 6 मैसेज ऐसे आते हैं जो पूछते हैं मुझसे कि दी अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो हम NIFT में जा सकते हैं कि नहीं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्स फी. ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज मैं आऊँ. देखो, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, दैट इज़ अ ट्रू. लेट्स टेक माय एग्जांपल, मेरे पास भी इतना अमाउंट नहीं था कि मैं उसका फीस पे कर सकूँ. दैट्स वाई मुझे आई नो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया वहाँ तक जाने के लिए, बट समहाउ कहीं ना कहीं अप्लाई करते हो अगर आपके पास इनकम नहीं होता अब तक तो. बट ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता आपके लाइफ में, उस चुनाव का जहाँ चाह मारा, तो अगर आपने सच्चे दिल से चाहे तो आपको ज़रूर मिलेगा NIFT, ट्रस्ट मी. अगर आपके पास पैसे हो या नहीं हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता. उसके बाद मेरे केस में जो मैंने ऑब्जर्व किया और फील किया, आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ. फर्स्ट, द NIFT गिव यू द स्कॉलरशिप नेम सार्थक. सार्थक स्कॉलरशिप उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चों के फैमिली इनकम ईयरली वो 4 लाख से कम होता है. जस्ट मेक श्योर कि अगर आप सार्थक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सारी कैटेगरी में एकदम फिट बैठो. सार्थक की जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको NIFT में जाने के बाद मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता. सो आई क्लियर दिस थिंग. वंस यू गो इन अ NIFT यू आर एबल टू अप्लाई फॉर सार्थक इफ़ यू आर लाइक योर फैमिली इनकम इज लेस देन 4 लाख और 3 लाख. सो डॉक्यूमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो ऐसा हर बार सेम डॉक्यूमेंट होता है ऑलमोस्ट, बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वो चेंज कर देते हैं. तो मेन डॉक्यूमेंट जो हमेशा ही होगा वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज़ अ इनकम सर्टिफिकेट. एंड इफ़ यू आर इन एनी कैटेगरी और समथिंग लाइक ओबीसी एससी एसटी, सो यू हैव अ दैट सर्टिफिकेट एंड बैंक स्टेटमेंट्स. तो आप कुछ भी करके NIFT से झूठ नहीं बोल सकते कि आपको स्कॉलरशिप की नीड है और आप फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लेके जा रहे हो, वो तुरंत पकड़ लेते हैं. ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि आप सच में अगर नीडी हो, सच में आपको ज़रूरत है कुछ अमाउंट की एंड सच में अगर आप इस बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तब आप अप्लाई करो. ओके, एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ. तो इनकम सर्टिफिकेट एंड योर बैंक स्टेटमेंट इज़ अ मस्ट. सो हम सोचते हैं कि हम नकली सर्टिफिकेट और ये सब बना ले तो वहाँ नहीं पकड़े जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता. अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेलेक्ट भी हो गए, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? सो सेकंड राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, जिसमें कि आपको प्रॉपरली सामने बैठा के आपसे पूछा जाता है कि आपको क्यों ज़रूरत है पैसों की, आपने कैसे अरेंज किया था अपना पहला फ़ी. फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आपको देना ही पड़ता है NIFT में जाने से पहले, तो वो पूछेंगे आपसे आपने वो फ़ीस कैसे अरेंज किया. एंड अगर आप कुछ कुछ करवे सवाल भी पूछते हो, जैसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप क्यों आए हो NIFT में, तो इस तरीके के सवाल के लिए भी रेडी रहना. एंड या दिस इज़ अ मेजर समथिंग जहाँ पे आप वो आपको अगर पैसे दे रहे हैं, अगर आपकी फ़ीस माफ़ करें तो पूरी छानबीन करेंगे आपकी कि आपको सच में नीड है कि नहीं. अगर आप एप्पल का फ़ोन चला रहे हो और बोल रहे हो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो 10 क्वेश्चन लगाएंगे आपके ऊपर कि सच में कि आपको नीड है, तो आपके पास फ़ोन कहाँ से है. तो बहुत सारा वो इवन आपका लुक, आपके कपड़े, आपका वे ऑफ टॉक, सब कुछ ही नोटिस करते हैं इंटरव्यू में. सो जस्ट मेक श्योर कि आप एक जेन्युइन एंड ऑनेस्ट इंसान हो जिसको एक्चुअल में नीड थी स्कॉलरशिप की. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट सार्थक. तो सार्थक का फॉर्म जब भी आउट होगा, आई जस्ट मेक श्योर कि मैं तब बनाऊँ पूरा डिटेल सार्थक पे ही वीडियो एक, तो उसमें मैं आपको सब कुछ ही बताऊँगी कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे सब कुछ. तो जब वो फॉर्म निकलेगा, मेक श्योर कि आई मेक अ वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट उड़ान. उड़ान इज़ ऑल्सो अ स्कॉलरशिप जो कि NIFT प्रोवाइड करता है पूरे स्टूडेंट को जो अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हो ड्यूअल डिग्री एंड ऑल. सो यू कैन अप्लाई फॉर उड़ान. उड़ान स्कॉलरशिप मोस्टली 100 to 200 बच्चों को मिलता है. सो या उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन उसका जब भी फॉर्म आएगा, आई मेक श्योर आई मेक अ वीडियो. ओके, 4 to 7 सेमेस्टर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एंड फॉर मास्टर्स 1st or 2nd सेमेस्टर में देकर अप्लाई. दिस इज़ ऑल अबाउट NIFT जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. एंड लेट्स टॉक अबाउट NSP, दैट इज़ अ नेशनल स्कॉलरशिप जो कि मुझे मिला हुआ है. तो इसके बारे में इसके डिटेल वीडियो भी मैं एक अलग से बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. तो इसमें क्या होता है, सार्थक में आपको कुछ परसेंट ही मिलता है आपके अकॉर्डिंग टू फैमिली इनकम एंड सब कुछ मिला जुला के. आपकी ट्यूशन फी माफ़ होगी, दैट्स इट. बट यहाँ पे क्या होता है, दैट्स आर NSP में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है एंड आपकी पूरी ट्यूशन फ़ी के साथ जितनी भी फीस होती है कॉलेज की, वो सब पे किया जाता है.
तो या आई गॉट दैट स्कॉलरशिप, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए एनएसपी की, सो आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस. जब कॉलेज में जाओ जस्ट बी अवेयर क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत सारे आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड एक्टिव किसी भी ग्रुप में नहीं हो पाओगे. तो जस्ट मेक श्योर कि आप उस चीज़ों में एक्टिव रहो जो आपको चाहिए लाइफ में, जो आपको चाहिए उसमें एक्टिव रहो. तो एनएसपी अगेन बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला क्योंकि वो अवेयर ही नहीं थे. सार्थक के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, बट एक बार अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपको सार्थक नहीं मिल पाता. अगर मुझे सार्थक मिलता भी तो कुछ परसेंट ही मिलता अमाउंट, जो कि बाकी मुझे पे ही करना पड़ता, तो मैं कहाँ से करती, मेरा ऐसा सिचुएशन था. तो एनएसपी मिलना इज़ वेरी ग्रेट थिंग. सो जस्ट मेक श्योर अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए फुल वीडियो, सो आई एल मेक. That's it for this video. I hope you love this video and just comment down below if you want to know more about such things. And yeah, milte hain next video mein. Till then, stay tuned and bye.